हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे से लिंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स कैसे आप कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को गूगल पे के साथ लिंक, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके लिए आपको क्या कर लेना है। पहले आपको गूगल पे को इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर अपना नंबर डालना है। नंबर वो डालना है जो आपको अकाउंट के साथ लिंक होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि एंटर फोन नंबर लिंक्ड टू योर बैंक अकाउंट, तो वही नंबर आपको यहाँ पर डालना है जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, वरना आपका जो अकाउंट है ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट का जो नंबर है मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करके यहाँ पर नेक्स्ट करना है और यहाँ पर इसको कैंसिल करके फिर से नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर डाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे नंबर पर अभी OTP आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे नंबर पर OTP आ चुका है। अब आपको इसको यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर डालने के बाद ये कुछ टाइम लेगा यहाँ पर, तो 5-10 सेकंड लेगा OTP यहाँ पर देखने के लिए कि OTP करेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड्स मेरा जो OTP है करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर OTP सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पिन रखना है। अगर कोई बंदा आपकी ऐप को ओपन करेगा तो उसको पिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ गूगल पिन लेता हूँ और यहाँ पर कोई पिन सेटअप कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ब्लैक कलर की स्क्रीन आ रही थी क्योंकि यहाँ पर मैं पिन रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको नॉट नाउ कर लेना है और अलो करना है, जो भी आपको बोलेगा उसको अलो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है लिंक पहले ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ अकाउंट, रिमूव अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है रिमूव हो चुका है। अभी यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है रिमूव हो चुका है, बैंक की तरफ से भी नोटिफिकेशन आई है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि आपको लिंक कैसे करना है बैंक अकाउंट गूगल पे में। यहाँ पर आपको नीचे जाना है, चेक अकाउंट बैलेंस पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड बैंक अकाउंट आ जाएगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने बैंक का नाम ढूंढ लेना है और उस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बैंक का अकाउंट चूज कर लिया। अब आपके नंबर पर एक यहाँ पर SMS जाएगा, मतलब जिस जो नंबर आपने पहले दिया था वो वेरीफाई होगा कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। तो यहाँ पर आपको ओके करना है और यहाँ पर ओके करने के बाद आपको यहाँ पर वो SMS जाएगा कि वेरीफाई हो जाएगा कि आपका नंबर जो है लिंक है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे SMS आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं फाइंडिंग बैंक अकाउंट, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है यहाँ पर फाइंड हो चुका है। अब आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर इंटर UPI पिन आपको दिखाएगा, क्रिएट UPI पिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसलिए बोल रहा है इंटर UPI पिन। तो यहाँ पर मैं अभी इंटर UPI पिन कर लेता हूँ, मैंने अपना जो UPI पिन है दे दिया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंट एडिट, तो यहाँ पर मेरा जो अकाउंट है ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपने लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकता हूँ और यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। और कभी कभी यहाँ पर जब आप शॉप्स पर जाते हो वहाँ पर भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट उसे दे सकते हो ड्यूरिंग कोरोना। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करें। तो फ्रेंड्स अभी नेट स्लो है तो अभी मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि हमारा जो बैंक अकाउंट है लिंक हो चुका है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है लिंक हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी अकाउंट है, यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। और यहाँ पर आप दूसरी चीज भी कर सकते हैं, अपना जो UPI पिन है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरगॉट UPI पिन, तो यहाँ पर आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो, UPI पिन भी चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप किसी के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां से अगर आप 150 के ऊपर ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम MPay यूज करते हैं बैंक की एप्लीकेशन, वहां से हम कुछ अर्न नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन करना है और कितना करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सब डिटेल खुद भी चेक कर सकते हैं जब आप इसको इंस्टॉल करोगे और बैंक अकाउंट जब आप लिंक करोगे, तो फ्रेंड्स वहां पर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि कैसे करना है ट्रांजेक्शन और कितना करना है। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, वहां से आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आपको कितना करना पड़ता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।